मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वे लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार, BITDR में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो अक्सर हमारे जीवन में घटती हैं और हम लोग अक्सर करते हैं कि घर से निकलते ही नहीं या हम अपना काम ही नहीं करते, पहले ही हम दुनिया भर के एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने BITDR को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हम बात कर रहे थे कि हम लोग सक्सेस के लिए बहुत उतावले हैं। हर आदमी सक्सेस चाहता है, हर व्यक्ति सक्सेस चाहता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे उसका बिजनेस हो, चाहे उसकी पढ़ाई हो, कुछ भी हो, जीवन के हर क्षेत्र में। स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्स में सक्सेस चाहता है, म्यूजिशियन म्यूजिक में सक्सेस चाहता है, लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पाता या ज्यादातर लोग नहीं हो पाते। शायद आप सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? अक्सर हमने देखा है कि हम लोग मन ही मन बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, बहुत सारे प्लान बनाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, इतने दिन में ये कर लेना है, इतने दिन में फलाना कोर्स कर लेना है, या हमने ये अचीवमेंट किया, लेकिन फिर जब काम करने की बारी आती है तो हम लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है यार, आज थोड़ा थकान लग रही है, सो जाता हूँ, कल फलाना काम कर लूँगा, परसों ठिकाना काम कर लूँगा, इसको मैं कल पे टाल देता हूँ, कल भी तो मैं फ्री हूँ, ऐसे एंड सो ऑन। और इस तरह धीरे धीरे करके हम अपने काम को टालते रहते हैं और बाद में जब वो काम हम नहीं कर पाते या उसमें असफल हो जाते हैं तो बताते हैं कि ये हमारे पिताजी ने ऐसा कह दिया, नहीं तो ये काम हो जाता, वो फलाने ने ऐसा कह दिया वो काम हो जाता, यार उसने ऐसा कर लेना चाहिए था, नहीं तो मैं तो पक्का कर लेता। इस तरह के एक्सक्यूजेस हमारी जिंदगी में आम हैं, हम लोग देते हैं। ऑफ कोर्स मैं भी इससे बाहर नहीं हूं, मैंने भी बहुत सारे इस तरह के काम किए हैं, जब बात नहीं बनी तो ऐसा लगा कि ये इसको किसके सर पे मड़े हैं, ये लोगों की आदतें हैं। तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि ये बातें यदि आप अपने जीवन में अमल में लाना शुरू कर दें तो धीरे धीरे करके सक्सेस आपके कदम से कदम मिलाने लगेगी और कुछ ही दिनों में आप छोटी सक्सेस नहीं बल्कि एक बड़ी सक्सेस के हकदार हो जाएंगे। तो वो क्या चीजें हैं? सबसे पहली बात, अपने दिमाग से निगेटिविटी को विदा करें, नकारात्मकता को विदा करें। अक्सर क्या होता है कि जब हमको कोई टास्क मिलता है या जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो मन में एक विचार आता है, मैं करूंगा तो सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, एक असमंजस बन जाता है। ये जो नकारात्मकता है यही हमको हर बार प्रोक्रास्टिनेशन के लिए मजबूर करती है या उसकी तरफ प्रेरित करती है और हम दुनिया भर के एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं कि अरे यार ये फलाना टीचर अच्छा नहीं है या फलाना बॉस अच्छा नहीं है या फलाना काम अच्छा नहीं है, यार वो फलाना ने किया तो ऐसा हो गया, ठिकाना ने किया तो ऐसा हो गया। तो इन निगेटिव विचारों को आप विदा करें। मैंने आज देखिए एक शेर से बात शुरू की थी, उसकी पहली लाइन ही बहुत जोरदार है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, यानी सफलता आपके लिए तैयार बैठी है। हो सकता है कि आपको सक्सेस का पाथ ना मालूम हो, उसका रास्ता ना मालूम हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप कहीं ना कहीं से शुरुआत करें और शुरुआत हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ होती है, सकारात्मक विचारों के साथ होती है, नकारात्मक विचारों के साथ नहीं। तो नकारात्मक विचारों को अलविदा कहें और सकारात्मकता को आने दें। दूसरी बात, एक आम आदत है कि हम लोग अक्सर अपने जो नाकामयाबी है उसके पीछे बहुत सारे कारण गिनाते हैं,
कि फलाने ने ऐसा कर दिया या ढिकाने ने ऐसा कर दिया या ऐसा नहीं होता तो वैसा होता, आप इसको भी विदा करें, ब्लेमिंग करना बंद करें। जो हो गया हो गया, जैसा हो गया हो गया, अब जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति में हमको आगे बढ़ना है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालते चलें और ब्लेमिंग की आदत को छोड़ते चलें। जैसा जिसने करना था कर दिया, उनका काम था वो उन्होंने कर दिया, अच्छा किया बुरा किया जैसा भी किया, अब जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट सिचुएशन है और इस प्रेजेंट सिचुएशन में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने एफर्ट कैसे और डाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से कैसा कर सकते हैं, इसके प्रति हम जागरूक हो जाएं, प्रेजेंट में जिएं, ब्लेमिंग को छोड़ें। इसके अलावा अक्सर होता है जब हम कोई काम करते हैं और हमको अनुभव नहीं होता, कई बार तो अनुभव होने के बाद भी हमसे गलतियां होती हैं, हम जानते हैं कि ऐसा करने से हम गलत हो सकते हैं या हमको प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बावजूद भी हमारे पास कई बार विकल्प मौजूद नहीं होते, तो उन परिस्थितियों में उन्हीं से हमको काम चलाना पड़ता है और गलतियां हम कर बैठते हैं। तो उन गलतियों से घबराने की जरूरत नहीं है, गलती हो गई साहब, जिसने काम किया उसी ने गलती की, उन गलतियों से हम सबक लें और नया कुछ रास्ता निकालें, कुछ नई चीज सोचें कि अब गलती तो हो गई साहब, अब इससे कुछ नई प्रेरणा लें और अब उसको सकारात्मक विचार के साथ फिर से शुरू करें और आत्मविश्वास से भरें, क्योंकि ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, ये मेरा एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए साहब, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी एक बाल बराबर फर्क होता है, एक सीमा को अगर आप पार कर जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है, लेकिन जीवन में सफलता के लिए कॉन्फिडेंस बेहद जरूरी है। तो बी कॉन्फिडेंट और सारे एक्सक्यूजेस छोड़िए और सफलता के लिए कॉन्फिडेंट होके हर गलती से एक सबक लेके एक वर्तमान में जीने का एक निर्णय लीजिए और करना है, बस करना है के साथ आगे बढ़िए, करते चले जाइए। मेरा विश्वास है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। और ये यदि आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।